Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hello my dear students. How are you all? A very good afternoon. Sorry to keep you waiting. Okay? अगर कभी ऐसा हुआ कि थोड़ा सा लेट हो गया तो प्लीज़ कोप अप बिकॉज मेरे दूसरे लेक्चर्स चलते रहते हैं एंड आई कैन नॉट लीव अ कॉन्सेप्ट ना कोई भी कॉन्सेप्ट हम आधे में छोड़ नहीं सकते करेक्ट सो इसके वजह से क्या होता है ना कि थोड़ा लेट हो सकता है ओके बट इफ आई प्रोमिस दैट आई विल बी देयर आई विल बी देयर ओके यस तो कभी कोई लेट हो गया तो प्लीज़ मैनेज ओके यस थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके यस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर ओके वी हैव पीपल वेटिंग एडमिट कर देते हैं दोनों को ओके अगर किसी को कोई वेटिंग रूम में दिखा तो प्लीज़ खुद को म्यूट करके मुझे बता दीजिए क्योंकि मैं कई बार क्या होता है ना मैं आई एम सो एनग्रॉस्ड इन टीचिंग कि मैं भूल जाती हूँ ओके यस ना ना हाउ आर यू ऑल सबसे पहले तो अब तक हमने जो लॉजिकल रीजनिंग का रिविजन किया है इज दैट हैज दैट गिवन यू इनफ कॉन्फिडेंस येस और नो टेल मी येस और नो येस दैट्स नाइस आई एम हैप्पी अगर आपको इसका बेनिफिट हो रहा है तो आई एम सो ग्लैड ओके यस 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 तो आज जैसे कि हम हर बार करते हैं आज भी हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं ओके यस एंड द 3 चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर आर विच आर द 3 चैप्टर्स कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस एंड वेन डायग्राम्स ओके सो लेट्स बिगिन ओके कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग नाउ व्हाट इज द मीनिंग कॉज एंड इफेक्ट ओके यस जस्ट 1 मिनट Yes, cause and effect reasoning. Let's begin. Okay, now, cause and effect. What is meant by cause and effect? Okay, अगर हम देखते हैं cause and effect. Name of chapter क्या है? Cause and effect. मतलब क्या? किसी चीज की वजह से कुछ होना is what? जिसके वजह से होता है. Okay, it happens. Due to what is known as cause and whatever happens, जो होता है उसको क्या कहा जाता है इफेक्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है इफेक्ट कहा जाता है ओके नो प्रॉब्लम मतलब हमको क्या करना है वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द वर्ड बिकॉज वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द वर्ड बिकॉज ओके तो बिकॉज के लेफ्ट में जो आएगा ओके उसको कहा जाएगा इफेक्ट और बिकॉज के राइट में जो आएगा उसको कहा जाएगा कॉज व्हाट डज दिस मीन दैट माय डियर सीसेट स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड देयर लॉजिकल रीजनिंग पेपर्स एंड द सीएसईटी एग्जाम्स व्हाई बिकॉज दे हैव अटेंडेड द लेक्चर्स रेगुलरली बिकॉज दे हैव डन एडिक्वेट रिविजन मतलब क्या एडिक्वेट रिविजन करने की वजह से आप अच्छे से अपनी एग्जाम्स क्लियर कर पाए राइट मतलब बिकॉज इज वॉट Because क्या है बिकॉज एक जरिया है इफेक्ट और कॉज को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए ओके तो आपने एग्जाम्स क्लियर कर ली फर्स्ट गो में ये क्या है इफेक्ट है किसकी वजह से बिकॉज यू अटेंडेड द लेक्चर्स रेगुलरली बिकॉज यू अटेंडेड द रिविजन लेक्चर्स प्रॉपरली गेटिंग इट ओके सो बिकॉज की मदद से हम लोग क्या करेंगे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज इफेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज cause okay let's go ahead and see the examples okay yes question number 1 what is the statement prices of vegetables have been increased considerably during summer and the second statement is there is tremendous increase in temperature
thereby damaging crops greatly. ओके ठीक है, अब इनका क्या कहना है, इन्होंने अपने को दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज अ कॉज व्हिच इज एन इफेक्ट. ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज अ कॉज एंड व्हिच इज द इफेक्ट. नाउ लेट्स सी अब प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड. ठीक है चलो व्हाई देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली. क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, क्रॉप्स डैमेज हो गए हैं. तो क्रॉप्स कम हैं एंड बिकॉज क्रॉप्स कम हैं तो लोगों को क्या है, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स बढ़ गए. मीन्स इफ आई टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज माई द स्टूडेंट्स, इन दैट केस वट वुड बी द रीजन, कम ऑन टेल मी. Because क्या हुआ है, prices of vegetables have increased because there is damage in the crops. मतलब statement one is what, prices of vegetables have increased because, what is the reason that there is increase in the temperature. So what does this mean, this means that this statement one is effect and statement two is cause. Yes or no? ओके यस, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है. इनके ऑप्शंस है स्टेटमेंट वन कॉज, स्टेटमेंट टू इफेक्ट, स्टेटमेंट टू कॉज, स्टेटमेंट वन इफेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. ओके एंड दोनों में क्या बोला है कि लास्ट ऑप्शन में कि दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है. ओके यस ओके. तो अब हम देख रहे हैं, हमने क्या देखा है कि ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन इज इफेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज कॉज. तो विच ऑप्शन सर्व्स आवर पर्पस, ऑप्शन टू सर्व्स आवर पर्पस. सो व्हाट शुड बी द आंसर, द आंसर शुड बी व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर शुड बी स्टेटमेंट टू. व्हाई, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है कि टू इज कॉज एंड वन इज इफेक्ट. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल रहा है जो हमने फाइंड आउट किया है. गेटिंग इट एवरीवन? ओके यस, लेट्स क्विकली गो ahead further. Okay, next question. Question 2 kya hai? Police resorted to lathi to disperse the unlawful gathering of large number of people. ये तो बहुत common हो गया था COVID scenes में, बराबर है ना. COVID scenes में क्या हुआ था, government को लोगों को अपने भलाई के लिए government को क्या करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा. Why? I'll share a very funny incident to you. Do you know a leopard, a jaguar entered our city? I am from Maharashtra, from Sangli city. Okay? तो हमारे सांगली शहर में क्या हुआ था, कल एक leopard came around. Okay? हमारा government says कि forest department का कहना ये है कि there's a likely possibility कि यहाँ पे पास में चांदोली करके एक ये है जंगल है just before Goa. ओके तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कहाँ से आया है, ही मस्ट हैव कम फ्रॉम द चांदोली जंगल. ओके तो आया तो उसको देखने के लिए व्हेन पूरा दिन गया. ओके ही वाज स्पॉटेड एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. फिर वहाँ से फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाया गया, सब कुछ किया. ही वॉज हाइडिंग इन अ डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, जो बस बिल्कुल गिरने वाली बिल्डिंग थी वहाँ पर जाके छुपा था. फिर जंगल्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने क्या किया, उसको सेडेट करने की कोशिश करी. वो लोग क्या करते हैं ना, जो पिस्तल होती है उससे उसको क्या करते हैं, उसको इंजेक्शंस अटेंड कर लगाते हैं सेडेशन की, उससे उसको शूट करते हैं ताकि वो इंजेक्शन उसको लग जाए और सेडेशन में क्या हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए. और फिर क्या करते हैं वो लोग, उसको बंद करते हैं एंड देन जाके फॉरेस्ट में पर वापस छोड़ देते हैं. राइट, सो उसको पकड़ा. ओके उसको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बड़ी मुश्किल से रात को आई थिंक अराउंड 8:30-9 o'clock ओके वो चंगुल में फंस गया. ही वॉज कॉट इन द नेट. फिर उसको बंद किया ओके बिहाइंड बार्स एंड देन वो उसको ट्रांसपोर्ट में डाल दिया गया. इतने लोग आए थे, इतने ना, आई टेल यू आई पिटी पब्लिक. अरे ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी है, आपको सब कुछ है, समझ में आता है, पर जब गवर्नमेंट आपको बोल रही है, जब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था. ओके ऐसा सिचुएशन हो गया था कि वो फॉरेस्ट ऑफिशियल लिटरली लोगों को पैर पड़ रहा था, लोगों को बोले जा रहा था कि आप लोग जाओ यहाँ से. व्हाई, व्हाट हैपेंस इज दीज आर वाइल्ड एनिमल्स का हम बोल नहीं सकते. इफ दे गो आउट ऑफ कंट्रोल, 50 लोग भी उनके लिए भारी है. राइट तो 50 लोग भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपेंस, पीपल रिसॉर्टेड टू लाठी चार्ज. जो भी लोग मान नहीं रहे थे उनको इतना धो धो पीटा है ना पुलिस ने कल. राइट सो
So here what has happened? Police resorted to lathi to disperse the unlawful gathering of people. Okay. The citizens forum called a general strike. Called what? A general strike in protest against the police atrocities. अब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को पहले ठीक से समझते हैं, फिर हम लोग देख पाएंगे. यस डिस्टर्बेंसेस हैं, जस्ट वन मिनट, आई जस्ट चेक. यस प्रशांत सिंह, निशांत प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अनिल, यस यस यस, आई थिंक अब डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी टू डिस्पर्स द अनलॉफुल गैदरिंग ऑफ पीपल. मतलब लोग इकट्ठा हो गए, वो कंट्रोल में नहीं हो रहे थे, इसलिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया. फाइन. सेकेंड सिचुएशन क्या कहता है? सिटीजन्स फोरम कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस अट्रॉसिटीज. मतलब क्या है? सिटीजन्स फोरम ने क्या किया? मोर्चा किया. मोर्चा किया तो एक साथ लोग आए और दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पुलिस, और उन्होंने पुलिस ने क्या किया? उन पर लाठीचार्ज किया. मतलब इफ आई टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज, तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस रिसोर्टेड टू लाठीचार्ज. ओके, पुलिस रिसोर्टेड टू लाठीचार्ज. यस. ओके, तो एक मिनट. हाँ, यस. तो व्हाट हैज हैपेंड इज पुलिस हैज रिसोर्टेड टू लाठीचार्ज. ओके, अब सिटीजन्स फोरम कॉल्ड अ जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस अट्रॉसिटीज. अब क्या हुआ? पुलिस ने दो लोगों को मारा पीटा, इसके वजह से, उनके इस एक्शन की वजह से सिटीजन्स फोरम ने उनके अगेंस्ट एक्शन ली. बराबर है? मतलब रिजल्ट क्या आया कि सिटीजन्स फोरम ने एक्शन ली. क्यों लिया? व्हाई? बिकॉज पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज ऑन द इनोसेंट पीपल. अंडरस्टैंडिंग? मतलब बिकॉज के लेफ्ट साइड में जो होता है दैट इज नथिंग बट इफेक्ट. ओके, इफेक्ट क्या है? सिटीजन्स फोरम ने जनरल स्ट्राइक की. एंड व्हाई की? व्हाट वाज द कॉज? बिकॉज ऑफ द लाठी चार्ज बाय द पुलिस. राइट, सो स्टेटमेंट टू बिकम्स इफेक्ट एंड स्टेटमेंट वन बिकम्स कॉज. अब बताओ कौन सा ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर? कम ऑन. ऑप्शन वन, वन इज कॉज, टू इज इफेक्ट. ऑप्शन टू, टू इज कॉज, वन इज इफेक्ट. ऑप्शन थ्री, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट. ऑप्शन फोर, वन एंड टू आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. ऑप्शन फाइव, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कोइंसिडेंस. ओके, तो क्या है ऑप्शन यहाँ पे? What should be the right answer? The right answer should be A. Okay? Ki one is cause and two is effect. Understanding? Let's go to the next question. What are the statements? The university authority has instructed. Kya bola gaya hai apne ko? University authority ne instruct kiya hai. Kya instruct kiya hai? Just a minute. Yes. has instructed all the colleagues under its jurisdiction to ban use of all phones inside the college premises. ये तो अपने को बहुत अच्छे से आप इससे वाकिफ है. क्या? What is meant by the statement? कि university ने बोला है कि college के premises में phone मत use करो. Second statement क्या है? Majority of the teachers have signed a joint petition complaining the disturbances caused by cell phone ringtones inside the classroom. मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि टीचर्स ने एक साथ आके सेलफोन के अगेंस्ट कंप्लेन की है. अब अगर हम लॉजिकली इसको हम अगर सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बिकॉज, ओके, तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या है रिजल्ट? क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने एक्शन ली है. क्या है? यूनिवर्सिटी ने एक्शन ली है बिकॉज टीचर्स ने कंप्लेन किया है. सो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स द इफेक्ट एंड दिस बिकम्स द cause. So under this circumstances, which should be the right options? Come on, tell me, my dear students, which option should be the right option? Yes, yes, answer B. Answer 2 should be the right option. Okay, getting it, my dear students? Okay, yes. Further, let's go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस. द गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द एरियाज. अब इस स्टेटमेंट का पहले अच्छे से मीनिंग समझते हैं और फिर हम लोग देखते हैं विच वुड बी द राइट आंसर. ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज. व्हाट इज मीन बाय लो लाइंग एरियाज? लो लाइंग एरियाज मतलब देयर इज अ सी लेवल.
सी लेवल से थोड़ा जो बिलो रहते हैं ना, उनको हमेशा डर रहता है किसका, फ्लड्स का, कि पानी यू नो पानी सी लेवल से ऊपर आ गया तो यू नो उसके जो भी एरिया है उससे क्या होगा, ही इट एंटर्स इनटू द लैंड. ओके, लैंड के एरिया में पानी आ जाता है, उसकी वजह से फ्लड्स होता है. ओके, डू नॉट हरी आयुष, लिसन टू मी फर्स्ट वेरी केयरफुली. ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को अभी लग रहा है कि इस साल बहुत बारिश आई है, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस साल फ्लड्स आएंगे, फ्लड्स आया तो लोगों का बहुत नुकसान होता है, लोगों का नुकसान हुआ मतलब इन शॉर्ट हमारा नुकसान है, राइट. तो गवर्नमेंट ने पहले ही जाके उन लो लाइंग एरियाज में जाके लोगों को बोल दिया कि देखो इस साल फ्लड्स आने वाला है, इससे आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, हम लोग कल आने वाले हैं. ओके, और हम लोग आपको यहाँ से सेफ जगह पे पहुँचा देंगे. ओके, अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है, सेकंड सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द एरियाज, कि गवर्नमेंट ने उनको ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया है, उनको फूड भी पैक करके दिया है, क्योंकि लोगों को अपना बोरिया बिस्तर घर छोड़ के अगर जाना पड़ेगा तो उनको फूड खाना पीना सब कुछ चाहिए, राइट. तो गवर्नमेंट ने उनको वो भी प्रोवाइड किया है. मतलब अगर हम स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू देखते हैं, ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है. ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पीपल लो लाइंग एरियाज में रहते हैं इसलिए गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दिया, ऐसा तो जरूरी नहीं है, राइट. अब ऐसा भी नहीं है, रिवर्स सिचुएशन भी नहीं है. मतलब बोथ क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर व्हाट, कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स, वन मिनट, लेट मी जस्ट, वन मोर फ्रेंड ऑफ आवर्स इज वेटिंग, यस. ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, बोथ आर इफेक्ट्स. किसके इफेक्ट्स है, क्योंकि सी लेवल से पानी बढ़ गया है इसलिए गवर्नमेंट को डर लग रहा है फ्लड्स आएगा, इसलिए बोथ आर इफेक्ट्स. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे द राइट आंसर वुड बी फिफ्थ, दैट बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज. कॉमन कॉज यहाँ पे क्या है, फ्लड्स. ओके, फ्लड्स का डर, राइट. रेड फ्लैग होते हैं ना एरियाज, जो बोलते हैं कि दीज आर रेड फ्लैग्ड एरियाज, मतलब क्या यहाँ पे इस बार पॉसिबिलिटी है कि फ्लड्स आएंगे, राइट. उनको गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज दी है, राइट. सो फ्लड इज अ रीजन और उसके पीछे ये दो क्या है, उसके इफेक्ट्स है. मतलब एक ही रीजन की वजह से दोनों सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए कॉमन कॉज टू इफेक्ट. क्लियर एवरी वन, 100%, किसी को कोई डाउट नहीं, shall I go ahead? Okay, next, the performance of most of the students in final exam, okay, in the kuch na thoda sa letters missing hai, never mind, yes, main thoda dekh lu, padh lu aapke liye, so I think that might help you. Majority of the performance of most of the students in class 10, in final exam of class hai, what is CLASS hona chahiye wahan pe, class 10 by in the schools, okay, yes, it should be in the school, the performance of most of students in final exam of class 10 in the schools by the government was excellent. मतलब इनका क्या कहना है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो 10th क्लास है उस 10th क्लास के बच्चों ने बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट दिए हैं. ओके, और नेक्स्ट उनका क्या कहना है, दैट मैनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स लेफ्ट द स्कूल्स एंड ज्वाइंट प्राइवेट स्कूल. अब पहला स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के 10वीं के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, एंड द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट मेनी टीचर्स में गवर्नमेंट टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ के प्राइवेट स्कूल्स को ज्वाइन किया है. अब मुझे बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशन है क्या, कम ऑन. समीर सेज बोथ आर कॉजेज, इफ दे आर कॉजेज, कॉजेज ऑफ व्हाट, किसके कॉजेज है, कम ऑन, किसके कॉजेज है, कोई भी उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है. अब क्लास 10 के बच्चों ने अच्छे रिजल्ट्स देना और गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स ने उनके जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पकड़ना, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, बराबर है ना, कोई भी रिलेशन नहीं है. दिस मीन्स दैट दीज टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर व्हाट, दीज टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, दे आर व्हाट, दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर व्हाट, दे आर इंडिपेंडेंट. ओके, मतलब दे आर इफेक्ट्स ऑफ independent causes. Getting it, my dear students? Effect of independent causes. So here answer should be what? Come on, tell me. Which option will you choose?
मेरे क्लास में कोई भी प्रकार की स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको खुद दिमाग लगा के आंसर्स चूज करने हैं, ओके? कम ऑन, लेट्स सी हू गिव्स मी द राइट आंसर. ओके, अब अपना कंफ्यूजन क्या हुआ ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर के बीच में. अब ऑप्शन थ्री सेज बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस एंड ऑप्शन फोर सेज बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. अब फर्क है. अब ऑप्शन फोर अपने को क्या बोलता है, ओके? ऑप्शन फोर ऑप्शन थ्री को देखे तो क्या बोल रहा है कि ये दोनों कॉजेज है, और अगर हम ऑप्शन फोर देखते हैं तो ये दोनों इफेक्ट्स है. अब बताओ ये दोनों कॉजेज है कि इफेक्ट्स है. कम ऑन थिंक, आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक. आप लोगों से इनपुट आएगा तभी ऑटोमेटिकली आप लोगों का थिंकिंग राइज होगा. कम ऑन सोचो, ये किसी चीज की वजह है कि किसी चीज के इफेक्ट्स है. किसी चीज की वजह नहीं है. अगर वो किसी चीज की वजह नहीं है तो ऑप्शन थ्री इज नॉट द राइट आंसर. करेक्ट करेक्ट. सो दैट मीन्स ऑप्शन फोर बिकम्स द करेक्ट आंसर. डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस समीर, वेरी 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 गुड. ओके यस, सो द राइट आंसर हियर शुड बी ऑप्शन. क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स? श्योर 100%? ओके यस यस, लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके यस, द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस. स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस. स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस मतलब क्या? मतलब किसी भी स्टेटमेंट के पीछे कोई वजह होती है, राइट? या कोई अजम्पशन होता है. अगर मैं आप लोगों को मैसेज करती हूँ, अगर आपके सी सेट के ग्रुप में, सी एस ई टी के ग्रुप में अगर आपको मैसेज आता है कि लॉजिकल रीजनिंग का क्लास रहेगा 1:30 बजे, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि मैम 1:30 बजे आएगी और आपका क्लास कॉन्डक्ट करेगी, राइट? सो इट इज अज्यूम्ड. क्या मुझे ये आपको ऐलान करने की जरूरत है कि मैम 1:30 बजे ऑनलाइन आएगी, फिर मैम अपना जूम का मीटिंग आईडी आपको जो दिया है वो ओपन करेगी, फिर आप लोगों को एडमिट करेगी? दिस इज ऑल अंडरस्टूड. मतलब किसी भी स्टेटमेंट के पीछे के रीजन्स, ओके, अज्यूम्ड होते हैं, अजम्पशंस होते हैं उनके पीछे. वो हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, ओके? हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, ओके? यस, लेट्स गो अहेड फर्दर. ओके, तो क्या बोला गया है अपने को? यस, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी, अब इस स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, ओके, सी स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे और हमको कैसे सॉल्व करना है. तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको कई अजम्पशंस दिए जाएंगे. उस अजम्पशंस में आपको फाइंड आउट करना है कि किस अजम्पशन का किस स्टेटमेंट के साथ रिलेशन है या नहीं है, ओके? तो आई एम गोइंग टू मेक दिस वेरी सिंपल टू यू. पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द स्क्रीन. इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस, वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेयंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉयज. In charge of the company tells personnel manager. Okay, personnel manager मतलब जो HR, जो लोगों को handle करता है, labor को, okay, जो अपने staff को handle करता है, okay, तो उसने क्या बोला कि अभी अपने को लोग time पे आए, okay, उसके लिए उनको कुछ incentive देना पड़ेगा. जैसे जो सबसे पहले आता है उसको उसको कुछ award दिया जाएगा, या जो punctual है उसको कुछ award दिया जाएगा. ऐसे कोई incentives अगर हम announce करते हैं तो लोग अपने आप time पे आएंगे. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट. अब उनके अजम्पशंस उन्होंने क्या बोला है? अजम्पशन नंबर वन, कन्वेयंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी. अजम्पशन टू, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अब समझो मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमको पंक्चुअलिटी लाना है, इसलिए उनको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, बराबर है? अब अजम्पशन वन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब इस अजम्पशन वन सपोर्टिंग योर स्टेटमेंट. कम ऑन, आंसर्स आपके मिल जाएंगे. पहले मैं जो पूछ रही हूँ, आई एम टेलिंग यू हाउ टू थिंक. ये बहुत जरूरी है, सी अंडरस्टैंड. जिंदगी में कभी भी, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स रिलेटेड, मैं सिर्फ एग्जाम रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, ओके? इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक. ओके, क्या अपना फर्स्ट स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर. अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट, यस रवि, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे गारंटी है. फिर भी अगर आपको नहीं समझा तो आई एम राइट हियर फॉर यू.
ओके स्टेटमेंट. अब स्टेट अजम्पशन वन, क्या आपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करा है? नहीं. अब चलते हैं अजम्पशन सेकंड की तरफ. अजम्पशन सेकंड क्या बोलता है कि डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. अगर वो टाइम पे आते हैं तो उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए. तो ये बिल्कुल अपने अजम्पशन को, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, राइट? ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? अजम्पशन वन डज नॉट सपोर्ट, अजम्पशन टू सपोर्ट्स. अब देखते हैं अपने ऑप्शंस क्या क्या है. अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, टू इज इम्प्लिसिट, ईदर इज इम्प्लिसिट, नीदर इज इम्प्लिसिट. अब मुझे बताओ विच शुड बी आर आंसर. अपना आंसर क्या है, अपना कंक्लूजन क्या है कि ऑप्शन टू, अजम्पशन टू इज सपोर्टिंग आवर स्टेटमेंट. इन दैट केस, इन दैट केस ऑप्शन टू इज इम्प्लिसिट. सो योर आंसर शुड बी टू. गेटिंग इट माई डियर स्टूडेंट्स? Getting it, my dear students? Okay? Yes. रवि, मुझे ध्यान है आपको नहीं समझ में आ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, बी केयरफुल, पे फुल अटेंशन टू द स्क्रीन. ओके, यस. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको क्या करना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपॉइंट करने हैं. ठीक है, हम अब स्टेटमेंट समझ चुके हैं. अब अजम्पशंस में से हमको देखना है कि कौन सा वाला अजम्पशन हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है. अजम्पशन वन, देर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स. ओके, अजम्पशन वन क्या बोलता है? अजम्पशन वन, अब गवर्नमेंट जब 4,000 टीचर्स अपॉइंट करने का सोच रही है तो गवर्नमेंट क्या टीचर अपॉइंट करके उनको ऐसे ही पगार देगी? क्या उनको स्कूल में जाके काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा. दिस मीन्स कि स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है. सो इज अजम्पशन वन सपोर्टिंग स्टेटमेंट? यस, इट इज सपोर्टिंग. ओके, अब अजम्पशन टू क्या कहता है? Assumption 2 says eligible candidates may not be interested to apply as government may not finally appoint them. अब जब government बोल रही है कि हम appoint करने वाले हैं तो अगर सामने वाला सोचना चाहता है, खुद के लिए खड्डा बनाना चाहता है तो उसमें government का क्या दोष है? तो is second assumption supporting your statement? No. Only first assumption is supporting. मतलब अपना option क्या रहेगा? Only assumption 1 is implicit will be our answer. Clear everyone? Clear everyone? Understanding, my dear students? Okay? Yes. Let's go ahead. Ravi, ab clear ho raha hai aapko? Ravi, waiting for your answers? Okay, very nice. I'm glad ki aapko samajh mein aa raha hai. Let's go to the next question. A warning in the train compartment to stop train, pull chain. Penalty for improper use, 500 rupees. हमने कई बार हमने ट्रेन में सफ़र किया है. ओके, वी हैव ट्रैवल्ड इन द ट्रेन. यू मस्ट हैव सीन कि वहाँ पे एक चेन होता है. व्हाई इज़ दैट चेन अवेलेबल? क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वी कैन पुल द चेन एंड यू नो ट्रेन अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि कोई इमरजेंसी है, हमको ट्रेन रुकवानी पड़ेगी, राइट? सो चेन खींची, ट्रेन रुक गई. उसके लिए अगर आपने मज़े के लिए कुछ नॉट ऑल पीपल आर सेंसिबल, कुछ लोग मजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो अगर कोई उसको इम्प्रॉपर यूज करता है तो उसको फाइन होगी 500 रुपीज की. दिस इज द स्टेटमेंट. ठीक है, अजम्पशंस, सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन. सीधी बात है, इसलिए तो पेनल्टी लगाते हैं, राइट? सब लोग सीधा नहीं सोचते, राइट? कुछ लोगों को परेशानी करने में मजा आता है. सो दिस इज सपोर्टिंग, दिस अजम्पशन इज सपोर्टिंग अवर स्टेटमेंट. ओके, ऑन सर्टन ओकेजन्स पीपल मे वॉन्ट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन. बराबर है ना, चेन लगाने का रीजन ही ये है कि अगर आपको चलती हुई गाड़ी को रोकना पड़े तो आप चेन खींच सकते हो. सो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो सपोर्टिंग. सो दोनों भी अजम्पशंस आर सपोर्टिंग आवर स्टेटमेंट. सो अपना आंसर क्या होना चाहिए, अब बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेटिव 3 शुड बी माय आंसर. ऑल्टरनेटिव 3 शुड बी माय आंसर. कौन बोल रहा है ऑल्टरनेटिव 3? फिर से पढ़ो. ऑल्टरनेटिव 3 बोल रहा है ईदर 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई भी एक. हमारे तो दोनों आंसर है, तो अपने राइट आंसर शुड बी 5. माई डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज द ऑल्टरनेटिव. सिर्फ क्वेश्चन समझना और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना अपना एम नहीं है. अपना एम ये है कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव को करेक्टली सर्कल करना अपने एग्जाम में, उसको करेक्टली चूज करना. सिर्फ आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर्स.
ओके 3 and 5 कंफ्यूजिंग है, एग्जाम के प्रेशर में पॉसिबल है कि हम लोग गलत आंसर चूज करें, बट पीयूषा मैम को याद करना, रिकॉल मी. ओके मैम ने आपको क्या बोला है, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. एक क्वेश्चन कम सॉल्व किया तो चलेगा, बट हम कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं ये हमको बिल्कुल पीसफुल माइंड से चूज करना है. ओके यस लेट्स गो अहेड फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज ईजी टू बिकम एन इंजीनियर, ओके इफ इट इज ईजी टू बिकम एन इंजीनियर, आई डोंट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर. Assumptions, क्या बोला है कि अगर इंजीनियर बनना इजी है तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना. तो assumption one क्या बोल रहा है, an individual aspires to be a professional. अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना तो क्या सिर्फ प्रोफेशनल एक ही ऑप्शन है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है. यू कैन बी अ प्रोफेशनल, यू कैन बी अ डॉक्टर, राइट, देन यू कैन गो इनटू एरोनॉटिकल, एरोनॉटिक्स ऑल्सो, राइट, बराबर है. यू कैन बी एन आर्टिस्ट ऑल्सो. जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल ही बनना पड़ेगा. सो टेल मी असम्पशन वन सपोर्ट कर रहा है क्या अपने स्टेटमेंट को, कम ऑन थिंक थिंक, इज इट सपोर्टिंग, नो, यस, वेरी नाइस. एंड वन डिजायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज हार्ड अर्नड. ओके स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो आसान है वो मुझे नहीं करना, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन मुश्किल चीजों को क्या करना चाहता है, आजमाना चाहता है, राइट. सो अजम्पशन टू, इज इट सपोर्टिंग आवर स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली यस. सो व्हिच आंसर आई विल चूज, कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑप्शन शैल आई चूज. वेरी गुड, ऑप्शन टू शुड बी चोजन. लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फिर हम लोग वेन डायग्राम्स करेंगे. ओके यस लेट्स गो अहेड. द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशंस हैव बीन कैंसल्ड बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर. क्या बोलना चाहता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग रेलवे का भाड़ा जो है, रेलवे टिकट्स का, ओके वो लोग हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो चलो चलेगा. ओके बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो हिल स्टेशन जाके, हिल स्टेशन के होटल्स में बुकिंग करके वहाँ पे रहने का खर्चा जिस जो यू नो जो बेयर कर सकता है उसको कंसेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका इनकम लेवल हाई है. ये स्टेटमेंट बोल रहा है. ओके व्हाट इज द अजम्पशन, से अजम्पशन सेज रेलवेज शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन, बराबर है ना, जिनको जरूरत है उनको कंसेशन दो, जिनको जरूरत ही नहीं है कंसेशन की उनको क्यों देते हो. सो अजम्पशन वन इज सपोर्टिंग अवर स्टेटमेंट. अजम्पशन टू, रेलवेज शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को कुछ राइट्स दिए गए हैं, राइट, उसमें अपना राइट है, बराबर है ना, अपना राइट है, अपने को डिसाइड करना है हम हिल स्टेशन जाए, सिटी जाए, जंगल में जाए, सफारी में जाए, क्रूज में जाए, कहीं पे जाए, हमारे हॉलीडेज हमको कहाँ स्पेंड करना है इज आवर राइट. ठीक है, इसलिए अजम्पशन टू डज नॉट सपोर्ट. इन दैट केस आवर आंसर शुड बी वॉट, आंसर शुड बी वन, दैट ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट. गेटिंग इट? Okay, yes. Now let's move ahead to the next chapter for the day, that is Venn diagram. What is the meaning of Venn diagram? Venn diagram matlab kuch cheeze di rahegi aapko. Every article is represented with the help of a circle. Apne ko kya karna hai? Apne ko unka aapas ka relation find out karna hai. Humko unka aapas ka relation find out karna hai. Jab do cheezon mein koi relation nahi hota to hum usko kaise represent karte hai? As two independent circles. Agar do cheezon mein relation hota hai, then there is an intersection between the two circles. Iska matlab kya hai? This is the related part. Getting it? Okay, and one article represents one circle. Okay, let's solve the practical problems to get damn clarity on it. Which of the following diagrams correctly represents lions, elephants and animals? Okay, yes, there's someone in the waiting room. Itna late aap log join karte ho. Okay, yes. Kya hai lions, elephants and animals? Ab kitne hai? कितने आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, तीन थिंग्स, सो वी नीड थ्री सर्कल्स. सो थ्री सर्कल्स, सो वन सर्कल फॉर लायन, वन सर्कल फॉर एलिफेंट एंड वन सर्कल फॉर एनिमल्स. ओके यस नो प्रॉब्लम. अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब अगर हम देखें लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स. ओके प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिन्होंने म्यूट नहीं किया है. अब लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स, इन तीन चीज़ों में अगर हम देखते हैं
ओके, तो रिलेशन क्या है? वेन डायग्राम में हमको देखना है हु इज द बॉस. ओके, अब लायंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स में हु इज द बॉस? एनिमल्स. क्यों? क्योंकि लायन भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है. सो बॉस विल ऑलवेज हैव अ बिगर केबिन. बॉस विल ऑलवेज हैव अ बिगर केबिन. आई ड्रॉ इट हियर. ओके, यस. सो दिस इज नथिंग बट द सर्कल ऑफ एनिमल्स, और इसके बीच में आएगा सर्कल ऑफ लायंस एंड सर्कल ऑफ एलिफेंट्स, बिकॉज दीज आर वॉट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. क्लियर एवरी वन? सो विच शुड बी आर आंसर? कम ऑन, टेल मी विच आंसर इज द करेक्ट आंसर. इज आंसर ए द करेक्ट आंसर? यस, ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, यस, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यस, फर्दर. पटेटो फूड एंड वेजिटेबल्स, वेरी इंटरेस्टिंग. पटेटो फूड एंड वेजिटेबल्स, अब थ्री थिंग्स मतलब थ्री सर्कल्स. अब पटेटो फूड एंड वेजिटेबल्स, अब सबसे पहले बताओ इन तीनों में हु इज द बॉस? कम ऑन, हु इज द बॉस? वेरी गुड. फूड बराबर है, मतलब फूड को एक बिगर केबिन हमने दे दिया. ओके, ये बन गया फूड. ओके, अब बचे दो, पटेटो एंड वेजिटेबल्स में क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ, ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स. ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, मतलब इन दोनों में हु इज द बॉस? वेजिटेबल्स इज द बॉस. मतलब फूड में वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स में पोटैटो हैं. बराबर है? हाँ या ना? राइट, सो विच शुड बी द आंसर? कम ऑन, विच शुड बी द आंसर? टेल मी क्विकली. ए शुड बी द करेक्ट आंसर. Right, everyone? Okay, let's go ahead to the next question. Tea, coffee, beverages. Tea, coffee, beverages. अब tea, coffee, beverages तीनों में अगर हम देखते हैं तो who's the boss? Tea और coffee दोनों भी हम लोग पीते हैं, बराबर है ना? तो ये दोनों beverages मतलब दो चीजें हम पीते हैं. So beverages is the boss. No problem. अब बचे दो, tea and coffee. इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है बताओ? क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप है? इज देयर एनी रिलेशनशिप? इज देयर एनी रिलेशनशिप? नो, देयर इज नो रिलेशनशिप. टी एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कॉफी एक अलग चीज है. सो इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर. समझ में आ रहा है एवरीवन? So which should be my answer? So which should be my answer? C should be the correct answer. Yes or no? Getting it? Okay. Yes. Let's go to the next question. Boys, athletes and students. This is one of my most favorite questions. Chalo. Boys, athletes and students. Chalo. Let's see who will give me the right answer. अब इन तीनों में अगर हम देखते हैं, बॉयज, एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स, देर इज नो बॉस. सी, देर इज नो बॉस. वाई? बॉयज एंड गर्ल्स बोथ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बराबर है? बॉयज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं या एडल्ट्स भी हो सकते हैं, राइट? जैसे आपने पापा स्टूडेंट नहीं है बट हम स्टूडेंट हैं, राइट? आई एम नॉट अ बॉय दो. यस, करेक्ट. अब स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स का कैसे है? स्टूडेंट्स बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स भी नहीं होते. मतलब ये तीनों अगर हम देखते हैं, सी, अगर हम बॉयज और एथलीट्स के बीच का कनेक्शन निकालते हैं, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस. अगर हम बॉयज और एथलीट्स के बीच में कनेक्शन देखते हैं तो एथलीट्स कुछ बॉयज एथलीट्स होते हैं या कुछ गर्ल्स एथलीट्स होते हैं. मतलब ये कंप्लीटली रिलेटेड है क्या? नहीं. मतलब इनका सर्कल एक दूसरे के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा. पर क्या वो थोड़े रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है. मतलब इनके सर्कल इंटरसेक्ट होंगे? होंगे. मतलब बॉयज और एथलीट्स का कनेक्शन हमने निकाला. अब एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में हम देखते हैं, कुछ एथलीट्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ एथलीट्स ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट ओलंपिक्स भी खेलते हैं ना, बड़े बड़े अवार्ड्स चैंपियनशिप्स खेलते हैं, राइट? तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं है. मतलब पार्शियल रिलेशन, पार्शियल रिलेशन है मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे, बराबर है? ठीक है. मतलब बॉयज एथलीट्स इंटरसेक्शन, एथलीट स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन. अब स्टूडेंट्स एंड बॉयज देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बराबर है ना? मतलब इनका भी पार्शियल रिलेशनशिप है. मतलब कैन आई से दैट ऑल द थ्री सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर? यस और नो? और ये जो सबसे कॉमन पार्ट है बीच वाला, जो तीनों के सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स बॉयज विच आर एथलीट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. यस और नो?
बॉयज एथलीट्स स्टूडेंट्स यस और नो कम ऑन समझ में आ रहा है क्या सो विच शुड बी माई आंसर विच शुड बी माई आंसर कम ऑन टेल मी डी शुड बी द करेक्ट आंसर यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वंस अगेन ओके नो प्रॉब्लम पूरा फोकस फिर यहां पे चाहिए मुझे ऑन द स्क्रीन ओके डू नॉट लुक एट द सर्कल्स दैट आई हैव ड्रॉन इरेज नहीं हो रही है स्क्रीन आई डोंट नो व्हाई नो प्रॉब्लम ओके अब समझो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे एक्सप्लेन करती हूँ हाँ हाँ ओके अब हमने क्या देखा है यहाँ पे सी भी तो हो सकता है ना रा यस सी नहीं हो सकता वाई क्योंकि ऐसे कौन से पार्ट्स है जो कंप्लीटली रिलेटेड है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर कब होता है जब कंप्लीटली रिलेटेड हो ऐसे कोई दो ना बॉयज एथलीट्स ना बॉयज स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट्स एथलीट्स कोई भी दो चीज एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है इसलिए वो लोग बाहर से ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं ओके मैंने क्या बोला पूरे बात सुनो अब बॉयज एथलीट्स स्टूडेंट्स ओके मैं यहां पे लिखती हूं बॉयज एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स अब हमको इन तीनों के बीच का कनेक्शन देखना है पहले इन दोनों के बीच का कनेक्शन देखते हैं बॉयज एंड एथलीट्स बॉयज एंड एथलीट्स ओके कुछ बॉयज ऐसे हैं यस कुछ बॉयज ऐसे हैं जो एथलीट्स होते हैं कुछ एथलीट्स गर्ल्स भी होती है मतलब इसमें कंप्लीट रिलेशन नहीं है बट रिलेशनशिप है इसलिए इन दोनों का सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा ये बॉयज ये एथलीट्स अब एथलीट्स और स्टूडेंट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं अब एथलीट्स और स्टूडेंट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं अगर हम एथलीट्स और स्टूडेंट्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं ओके तो एथलीट्स कुछ एथलीट्स स्टूडेंट्स हैं या कुछ एथलीट्स स्टूडेंटशिप कंप्लीट करके पूरे चैंपियनशिप में खेलते हैं बराबर है मतलब इन दोनों के बीच में भी पार्शियल रिलेशनशिप है तो एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया ओके ठीक है अब अगर हम बॉयज एंड स्टूडेंट्स देखते हैं अगर हम बॉयज एंड स्टूडेंट्स देखते हैं तो क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है बिल्कुल इनके बीच में रिलेशनशिप भी है राइट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है जो बॉयज है कुछ स्टूडेंट्स है वो गर्ल्स है यहाँ पे भी पार्शियल रिलेशनशिप है मतलब क्या होगा बी ए एंड एस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होंगे ओके इस अब अनम्यूट करो ये मुझे बोलने की बात है क्या कम ऑन माई डियर स्टूडेंट्स ओके तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे बॉयज है एथलीट्स है और स्टूडेंट्स है राइट अब ये भी नहीं हो सकता ये क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ओके सो दिस शुड बी द राइट आंसर डी शुड बी द राइट आंसर लेट्स गो अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज अपना सेशन काफी देर तक चला ओके चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे थीफ क्रिमिनल जज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन Thief, criminal and judge. Come on. Thief, criminal and judge. Okay, अब thief, criminal and judge. इनमें से related कौन कौन लग रहा है Thief और criminal थोड़े से related लग रहे हैं बराबर है No, 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 Priyanka. You are thinking from the wrong point of view. You are thinking from the wrong point of view, Priyanka. हम thief, criminal and judge में boss इसके हम उनके hierarchy से नहीं बोल रहे अब यहाँ पे थीफ एंड क्रिमिनल में कनेक्शन है जज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पार्टी है तो थीफ एंड क्रिमिनल में अगर कनेक्शन है तो इन दोनों में बॉस कौन है क्रिमिनल क्योंकि क्रिमिनल ये कई प्रकार के हो सकते हैं चोरी करने वाले किडनैपिंग करने वाले मर्डर करने वाले राइट राइट ओके यस बराबर है मतलब यहां पे क्रिमिनल इज द बॉस और इस क्रिमिनल में एक प्रकार का वो है थीफ बराबर है कि नहीं यस और नो यस और नो आवाज नहीं आ रहा ऐसा नहीं होना चाहिए ज्योति आप आपके सिस्टम का आवाज चेक कीजिए बिकॉज आई हैव अ लाउड वॉल्यूम मेरा सिस्टम पूरे आवाज पे है यहाँ पे ओके एंड सो थीफ एंड क्रिमिनल में क्रिमिनल बिकम्स द बॉस उसमें एक प्रकार है वो थीफ है और जज है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है यस ऑर नो यस ऑर नो ज्योति व्हाट्स द प्रॉब्लम आप मुझे सेशन खत्म
होने से पहले आप मुझे सेशन खत्म हो रहा है और आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. इज दिस अ राइट क्वेश्चन? आई एम टीचिंग यू लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर. हर बार चैप्टर के नेम्स आ रहे हैं आपके सामने. आपका ध्यान कहाँ पे है? ओके, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? विच आंसर शुड आई चूज? सी शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, येस, गेटिंग इट? तो नेक्स्ट टाइम से ज्योति, प्लीज डू नॉट ज्वाइन लेट, प्लीज बी ऑन टाइम एंड अवॉइड आस्किंग यूजलेस एंड नॉनसेंस क्वेश्चंस, बिकॉज दैट डीमोटिवेट्स अस. वी आर हियर फॉर यू. और अगर आपको जरूरत नहीं है हमारी तो प्लीज बोल दीजिए. ओके, येस मैम, बी एंड सी इज द सेम. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. प्लीज दो मिनट रुक जाइए. ओके, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसमें से मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ. मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी क्रिमिनल, यहाँ पे लिखती हूँ थीफ, यहाँ पे लिखती हूँ जज, यहाँ पे लिखती हूँ क्रिमिनल, यहाँ पे लिखती हूँ थीफ, यहाँ पे लिखती हूँ जज. अब बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, बी या सी? कमॉन कमॉन कमॉन, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. समझ में आया? अब समझ में आया क्या? गेटिंग इट? ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंजॉयड द सेशन? मजा आया? कैसा लग रहा है आपको लॉजिकल रीजनिंग? इंटरेस्टिंग, नाइस, ओके, दैट्स नाइस. ओके, यस, थैंक यू सो मच राजप्रिया, थैंक यू सो मच अंजलि, समीर, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, यस, चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. ओके, okay, and please do revise. Okay, chalo, bye-bye. Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.